Hey friends, if you really want to make your learning easy, then do subscribe and press bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टैक्स एंड ट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि इनकम को कैसे हम दो लेवल्स पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था इनकम को हम डोमेस्टिक लेवल पे देख सकते हैं और इनकम को हम नेशनल लेवल पर देख सकते हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इनकम या प्रोडक्ट के वेरियस कंसेप्ट्स को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कन्वर्जन में और आज के लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में और उल्टा, यानी कि नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रॉस किसी कंसेप्ट को आप नेट में और नेट किसी कंसेप्ट को ग्रॉस में कर सकते हैं कन्वर्ट, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि एमपी यहाँ पे क्या मतलब है, मार्केट प्राइस, उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो फैक्टर कॉस्ट में, या फैक्टर कॉस्ट को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो मार्केट प्राइस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको याद होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम की जब मैंने बात की थी तो मैंने बोला था जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, ठीक है। अब जब मैं नेशनल इनकम के बारे में बात करती हूँ तो डोमेस्टिक टेरिटरी से आगे बढ़ जाओ तो कंसेप्ट कैसा बन जाएगा, नेशनल कंसेप्ट बन जाएगा। बिल्कुल वही इसमें किया है। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं NFIA, अगर इसमें मैं NFIA ऐड कर दूं तो ये कंसेप्ट बन जाता है आपका नेशनल इनकम। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये NFIA या ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है क्या। जैसे ही इसके आगे वर्ड लग गया नेट, इसका मतलब इसमें कुछ ऐड हुआ है और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट जरूर हुआ है। क्या ऐड हुआ है, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है, देखो हमारे कुछ रेजिडेंट्स हैं, हमारे कुछ अपने रेजिडेंट्स हैं इंडिया के जो कि बाहर रहते हैं और वहां से कुछ फैक्टर इनकम्स कमाते हैं, तो उस तो हमारी इनकम में ऐड होना चाहिए, हमारी नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए, है ना, वो आप ऐड कर दोगे। वैसे ही कुछ बाहर के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं और यहाँ से फैक्टर इनकम्स कमाते हैं, तो वो हमारी नेशनल इनकम तो नहीं, वो उनकी कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट होगा, तो वो चीज़ हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब आप इसे अगर अलग अलग पढ़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो आपको इसका कंसेप्ट समझ आएगा, यानी कि डोमेस्टिक को नेट नेशनल बनाने में किसका रोल होता है, NFIA का। नेक्स्ट होता है, कई बार हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रॉस फॉर्म में होता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं तो जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यू आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी को आपको बोल दे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मुझे बताओ, है ना। तो ये ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या है, जैसे कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस क्या है, NFIA का फर्क क्या है, NFIA का, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रॉस और नेट के बीच का जो फर्क है वो है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मैं दो तरीके से देख सकती हूँ, एक है ग्रॉस तरीके से देख रही हूँ तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेट तरीके से देख रही हूँ तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपको ग्रॉस को इसको GDP को NDP में कन्वर्ट करना है। आप ग्रॉस तो बड़ा होता है ना, नेट मीन्स समथिंग रिड्यूस्ड, तो ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो बन जाएगा NDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक चीज नोट करना, बीच का डोमेस्टिक दोनों में सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि मैंने NFIA तो कुछ किया ही नहीं ना, ऐड ही नहीं किया। अगर मैं NFIA सपोज ऐड कर देती यहाँ पर, अगर सपोज मैं यहाँ पे NFIA ऐड कर देती तो ये डोमेस्टिक से क्या बन जाता, नेशनल, तो ये यहाँ पे आपका हो जाता NNP। समझ आया, अभी और हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो हमारा कंसेप्ट कैसा हो जाता है, नेट का वो कंसेप्ट हो जाता है। और नीचे मैंने लिख दिया, अगर आपको नेट को ग्रॉस बनाना है तो आप उसमें डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करोगे तब ये यूजफुल है। वहां पे आपको यही बोलता है कि GDP को आप इसमें कन्वर्ट करो, NNP में करो, NDP में करो, उस तरीके से। इसी में लास्ट कन्वर्जन जो हमें पढ़ना है, दैट इज मार्केट प्राइस पे कोई चीज दे रखी है उसको आपको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट पे, या फिर फैक्टर कॉस्ट पे दे रखी है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो एमपी का यहाँ पे मतलब है आपका मार्केट प्राइस,
और फैक्टर कॉस्ट का मतलब है आपका सॉरी एफसी का मतलब है आपका फैक्टर कॉस्ट। जो एमपी और एफसी का डिफरेंस है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि मार्केट प्राइस जो होता है उसमें से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो तो ये वाला कंसेप्ट आप देखो ये बिल्कुल सेम है दोनों में, है ना। फर्क कहां पर आ रहा है, एमपी और एफसी में। एमपी यानी मार्केट प्राइस में से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट बिल्कुल इनिशियल प्रोडक्शन पे, जब उस पे टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो वो बढ़ जाता है ना, तो और वो क्या बन जाता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को रिड्यूस पीछे लेकर आना है, पीछे कब लेकर आओगे, टैक्सेस वगैरह हटा दो, है ना। तो आपको आपने जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाए तो आपका क्या बन गया, जीडीपी एमपी से क्या बन गया, जीडीपी एफसी। यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, यहां पे ग्रॉस का लिया था, यहां नेट का ले लिया है, एनडीपी एमपी। अब आप देखिए इसमें से खुद से सोचिए, एनडीपी एमपी को आपको एनडीपी एफसी बनाना है, क्या करोगे, नेट को तो छूना नहीं है एज इट इज रहना है, डी डोमेस्टिक को भी नहीं छूना एज इट इज रहना है, बस ये है, ये फर्क है। ये कैसे लेकर आओगे, लेस कर दोगे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है, जैसे आपने देखा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, तो उसमें नेट मतलब था कुछ ऐड कुछ माइनस, बिल्कुल इसी तरीके से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर मैं सब्सिडीज हटा दूं तो वो बन जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये है हमारा कन्वर्जन। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक में किसका रोल होता है, एनएफआईए का। ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस में किसका रोल होता है, डेप्रिसिएशन का। और लास्ट हमारा एमपी से एफसी या एफसी से एमपी में किसका रोल होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ओके, सो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको जितने मैंने आपको कन्वर्जन रूल्स बताए हैं, कन्वर्जन सिखाए हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है, ग्रॉस से नेट में कैसे कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर क्रॉस में कैसे कन्वर्ट करना है, अब ये सारे कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज जीडीपी एमपी। जब मैं जीडीपी एमपी की बात करती हूँ तो आप जब हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन सॉल्व करने लगेंगे तो हमें समझ आएगा कि सारी की सारी जो कहानी शुरू होती है नेशनल इनकम की वो शुरू होती है आपकी जीडीपी एमपी से। बहुत सिंपल है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। स्टार्ट हो रहा है मार्केट वैल्यू से, मैंने कीवर्ड्स जो है उसको बॉक्स में हाईलाइट कर दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू, क्योंकि एमपी है ना, तो मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली होगी, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल वर्ड यहाँ पर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद होगा जब हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का यूज करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ड क्या यूज कर दिया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सा है, डी, डी क्या है, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता था, डोमेस्टिक जो इनकम होती थी वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती थी, डोमेस्टिक टेरिटरी में, इसलिए इसकी डेफिनेशन में क्या है कि कौन से गुड्स जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो ये हो जाता है आपका जीडीपी एमपी। अब इस जीडीपी एमपी को ही हम बेस लेकर डिफरेंट डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट करेंगे और उसके कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। जैसे कि सबसे पहले सपोज आपको जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी तक पहुंचना है, ठीक है, तो इन दोनों में बाकी सब चीजें देख लेते हैं, क्या डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। ये वाला एन, ठीक है, ये वाला जी क्या है, ग्रॉस, और ये वाला एन क्या है, नेट। आप इसको नेशनल में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ये ग्रॉस है और यहाँ पे क्या है, नेट, और उसके बाद दूसरी पोजीशन क्या है, डोमेस्टिक, ये भी है डोमेस्टिक, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, एमपी एमपी, यानी कि सिर्फ एक डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस से आप नेट बना दो, ग्रॉस से नेट बनाने का क्या था, डेप्रिसिएशन हम लेस कर देते थे, तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन अगर हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एमपी। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा है अब जीडीपी एमपी, सॉरी जीएमपी एमपी,
जीएनपी एमपी आपको बनाना है जीडीपी एमपी से। जी सेम है, यहाँ पे क्या है डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है, बाकी एमपी एमपी दोनों में सेम है। डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बना देते थे, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर ले जाओ तो प्रोडक्ट क्या हो जाता था, नेशनल प्रोडक्ट हो जाता था। तो हम इसमें क्या कर देंगे एड NFIA, दैट वॉज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दी एब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NNP MP है, आपको GDP MP से बनाना है। क्या क्या डिफरेंसेस है, ग्रॉस नेट का डिफरेंस है, डोमेस्टिक नेशनल का डिफरेंस है, MP MP सेम है। तो एक एक चीज करके कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ग्रॉस को बना दिया नेट। ग्रॉस को नेट कैसे बनाते थे, डेप्रिसिएशन लेस करके, GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन, ये हो गया आपका ग्रॉस से नेट बन गया। ठीक है, अब बचा ये वाला बीच वाला, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या आप ऐड करोगे, NFIA। नेक्स्ट है GDP FC, अगेन हम किससे स्टार्ट करेंगे, GDP MP से। क्या क्या डिफरेंस है, ग्रॉस ग्रॉस ठीक है, डोमेस्टिक ठीक है, प्रोडक्ट तो हो ही रहेगा सेम। एमपी और एफसी का डिफरेंस, एमपी और एफसी में क्या होता था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एमपी में से लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको कई बारी हम NIT भी बोलेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम लेस कर देते थे तो हमारे पास आ जाएगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट। FC मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है NDP FC, आपको GDP MP से बनाना है NDP FC। डिफरेंस क्या क्या है वो देख लो, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक ठीक है, एमपी और एफसी का। तो सबसे पहले ग्रॉस को नेट कर दो। ग्रॉस को नेट कैसे करोगे, डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। मैंने सबसे पहले इसमें डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। अब आप बनाओ एमपी को एफसी में बनाओ। एमपी को एफसी कैसे बनाओगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करके, लेस इसमें से कर दिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें GNP FC। GNP FC आप फिर से GDP MP से कैसे बनाओगे, डिफरेंस क्या क्या है, ग्रॉस तो ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक नेशनल का डिफरेंस है, MPFC का डिफरेंस है, दो चीजों का डिफरेंस है। तो ग्रॉस को तो अब नेट करना ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है। तो GDP MP में से सबसे पहले आप कर दो ऐड इसमें NFIA, तो ये डोमेस्टिक का बन जाएगा आपका नेशनल। ठीक है, अब बचा FC और MP। MP को FC तक ले जाओ, कैसे लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैंने यहाँ पे लेस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें जो लास्ट है दैट इज द NNP FC, फिर से आपको बनाना है GDP MP से कहां तक जाना है, NNP FC पर। तो क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है, एमपी और एफसी का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, एक एक चीज ले लेते हैं। ग्रॉस को नेट बनाते हैं, सबसे पहले ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो NDP MP हो गया आपका। ठीक है, अब डोमेस्टिक को नेशनल बनाओ। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, NFIA। तो आपने NFIA कर दिया, डोमेस्टिक से नेशनल बन गया। अब बस एक चीज बची, वो है एमपी और एफसी। तो एमपी को एफसी तक ले जाओ, कैसे करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से लेस करके। तो NFIA लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये टोटल जो इक्वेशन है ये आपको दे देगी NNP FC। अब जब मैं आपसे नेशनल इनकम बोलती हूँ तो आपको कैलकुलेट इन सब में से क्या कैलकुलेट करना है, ये मैंने आपको 8 चीजें बताई हैं। ठीक है, इसमें से नेशनल इनकम जब मैं बोलती हूँ तो क्या आपको कैलकुलेट करना होता है, नेशनल इनकम का सीधा साधा मतलब होता है NNP FC, दैट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कन्वर्जन, और हमारे नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं उसका मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टैक्स एंड ट्रिक्स फॉर मोर वीडियोज़ ऑन इकोनॉमिक्स। थैंक यू।